अब हमें देखना है कि लोकलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है। अब हमने रिसोर्सेज तो देखा कि इस तरीके से हम हमारे फ़ोन के अंदर, हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कौन सा रिसोर्सेज एप्लीकेबल होगा। अब ये कंसेप्ट जो है लोकलाइजेशन, ये जो होता है बेसिकली हमारा डिवाइस स्पेसिफिक कंसेप्ट है। हमारे फ़ोन के अंदर अलग अलग तरह का सेटिंग होता है जो हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो, आप जब एक अपना स्मार्टफोन लेते हैं, फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करते हो, तो आपको वो लैंग्वेज ऑप्शन पूछता है, जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है आपके फ़ोन के लिए। अब सपोज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी आपको कई तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे इंग्लिश फॉर US, इंग्लिश फॉर UK, कैनेडा, फ्रांस। इंग्लिश के लिए भी आपको अलग अलग कंट्रीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके आप सेट कर सकते हो डिवाइस में। तो ये जो चीज़ होती है वो बेसिकली हम बोलेंगे लोकलाइजेशन में आएंगी, यानी डिवाइस स्पेसिफिक सेटिंग फॉर लैंग्वेज, फॉर इमेज, जो भी है, तो वो चीज़ हम लोकलाइजेशन में कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग का हमें कोड दिख रहा है लोकलाइजेशन के लिए। यहाँ पे जैसे इटली के अंदर हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक नेम स्ट्रिंग हमने लिया है, जिसे नेम में हम प्रोवाइड करें हेलो वर्ल्ड। यानी जहाँ पे भी मैं पर्टिकुलरली इटली वाला जो मेरा स्ट्रिंग है, वैल्यूज़ IT से अगर मैं कॉल करती हूँ और वहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिखती हूँ, तो वहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड का फॉर्मेट है वो इटालियन में प्रिंट होगा वहाँ पे। वैसे ही फ्रेंच का एक सैम्पल आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर सेम वैसे हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है मेरे पास, तो जहाँ पे भी वो फ्रेंच से अगर कॉल होता है सी दिस, तो फ्रेंच से अगर मैं उसे कॉल करूँगी तो यू विल फाइंड इट लाइक दिस। ओके, यानी अगर फ्रेंच से है तो उसको आप पर्टिकुलरली ये स्ट्रिंग मिलेगा, और वही चीज़ अगर आपसे इटालियन से है तो यू विल फाइंड इट लाइक दिस। अब हमें एक सिंपल एग्जांपल देखना है जहाँ पे हम लोकलाइजेशन को हमारे डिवाइस में कैसे यूज़ करते हैं या किस तरीके से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चार्ट दिख रहा है जिसके अंदर कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी रीजन्स की, और वो रीजन्स की लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली हमारी थोड़ी बहुत सेटिंग आप देख सकते हैं। जैसे सपोज़ इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करूँ, कि मेरे फ़ोन में अगर इंग्लिश लैंग्वेज में US सिलेक्ट करती हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें बैकग्राउंड इमेज जो आ जाएगा वो US का बैकग्राउंड इमेज आ जाएगा, वहाँ का मैप जो है, और टेक्स्ट जो होगा वो इंग्लिश में होगा। वैसे ही सपोज़ मैं इंग्लिश के साथ अगर मैं कैनेडा का इंग्लिश सिलेक्ट करती हूँ, तो कैनेडियन बैकग्राउंड आ जाएगा और इमेज उसका आ जाएगा और टेक्स्ट इंग्लिश में आएगा। इस तरीके से हमने रिस्पेक्टिवली यहाँ पे सेट करके रखा है कि इटालियन लैंग्वेज है तो क्या होगा, रशियन, फ्रेंच, ये सेटिंग हमने यहाँ पे करके रखा है, ठीक है। और उसके अलावा अदर लोकेशन का कोई भी इंग्लिश जैसे सिलेक्ट करती हूँ, तो वहाँ पर अर्थ का इमेज आएगा और इंग्लिश टेक्स्ट आएगा, कोई भी अदर लोकेशन, यानी ये स्पेसिफिक जो है इसके अलावा अगर मैं यूज़ करती हूँ तो, सपोज इटालियन है, इटालियन में मैं इटली के अलावा अगर कोई दूसरा यूज़ करती हूँ तो अर्थ इमेज वहाँ पे आएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक चार्ट क्रिएट किया है, ये हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे एक एग्जाम्पल में। ये जो है इमेजेस, यहाँ पे ये इमेजेस हम सेट करेंगे, जैसे कैनेडा के लिए कैनेडियन इमेज, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इटली के लिए इमेज, और डिफ़ॉल्ट हमारा जो अर्थ इमेज है वो यहाँ पे सेट है। सो हम इसे प्रोग्रामेटिकली अप्लाई करके देखेंगे।